एएसपी ट्रैफिक वाराणसी एसकेसी। सर ऑटो क्या रूल्स हैं डिस्ट्रिक्ट सर्विस के? क्या देखिए, अभी बीच में लॉकडाउन में ऑटो और ई रिक्शा सभी बंद थे, और अब जब से लॉकडाउन खुला है तो रिस्ट्रिक्शन के आधार पे इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलाया जा रहा है। जो रूल्स हैं वो रूल्स यही हैं जो ताज़ा गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट हुआ है कि जो वाहन है, चाहे ई रिक्शा हो चाहे ऑटो हो, जो उसकी सवारी की क्षमता है उस क्षमता से वो सवारी बैठाएंगे। उसके अलावा जो बेसिक प्रिकॉशन है, मास्क यूज करेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे, और जो भी सवारी बैठा रहे हैं वो मास्क के साथ होना चाहिए। इस पर हम लोगों का चेकिंग भी चल रहा है और समय समय पर इस पर अभियान भी चला जा रहा है। इसके अलावा मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने पूरे वाराणसी शहर को तीन भाग में, तीन जोन में बांटा है, उसको एक कलर कोड दिया हुआ है। जैसे PHU से लेकर के मोहन सराय, चांदपुर, लोहतारा से लेकर कैंट तक का इलाका ऑरेंज कलर कोड में है, जो जोन वन है। इसी तरीके से आपका जो भदौ चुंगी से लेकर के बनौलिया मैदागिन से होते हुए लवरावे से लेते हुए जो आपका कैंट तक का एरिया है प्लस कजाकपुरा, ये हमारा येलो जोन है, जो जोन नंबर टू है। और जो तीसरा इलाका है, जो ट्रांस बरौना जिसको हम कहते हैं, कैंट रोडवेज से कि जो रेलवे लाइन जा रही है उसके इस पार का जो इलाका है, जिसमें आपकी कचहरी हो गई सारनाथ, आशापुर, कचहरी, पांडेपुर, ये जो इलाका है ये हमारा जोन थ्री है, जो इसका ग्रीन कलर हमने दिया है। ऑटो ई रिक्शा अपने अपने ही जोन में वो चलाए जा रहे हैं। इनको हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऐप के माध्यम से इनके एप्लीकेशन दिए थे, और इन्होंने जो अपना जोन ऑप्ट किया था जिसमें वो चलना चाह रहे थे उसका उन्होंने फॉर्म भर के फिलअप किया था, 24 घंटे में उनको परमिशन दे दी। अब हम लोग उसको चेक कर रहे हैं कि जो इन्होंने परमिशन ली है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसमें इक्का दुक्का है जो अपने एरिया को क्रॉस करके दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोग अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। सर अगर बात की जाए तो क्या मतलब इनका रेट भी कुछ निर्धारित किया गया है? इनके देखिए जो रेट है वो परिवहन विभाग निर्धारित करता है, जो ऑटो रिक्शा के रेट है, और पीछा की जाती है कि जो रेट है उसी के आधार पर वो अपना वसूल है, जो किराया है। अगर कोई इस तरीके के गलत काम करता है, जो मनमाना लेता है, तो उसके फिर कार्रवाई। सर ऑटो में कितने सवाल पीछे बैठनी चाहिए कुछ इसका? जैसे ई रिक्शा है ऑटो का है, 1+3 का है ऑटो का, और 1+4 है ई रिक्शा का, तो आगे दो पीछे। तो ये जो मैंने कहा ना, जो वाहन की निर्धारित क्षमता है और वो परमिट में उनकी कंडीशन, जब वो परमिट लेते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ, उसमें वाहन में लिखा रहता है किस वाहन की क्या निर्धारित क्षमता, उस क्षमता के अनुसार वो बैठा सकते हैं। बस सत्य ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उसको फॉलो करें, सैनिटाइजर को यूज करें, मास्क को यूज करें, ये उनका।